गुल्ली बोलता है सोन अपने पीछे देखो। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली और सोन छुट्टी मनाने के लिए अपने जंडू चाचा के गांव जा रहे हैं। लेकिन जिस गांव में गुल्ली बुल्ली सोन जा रहे हैं वो गांव काफी ज्यादा वीराना है। लेकिन ये बात गुल्ली बुल्ली सोन को बिल्कुल भी पता नहीं है। सोन गुल्ली से बोलता है, गुल्ली गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ क्योंकि काफी ज्यादा रात हो चुकी है। बुल्ली बोलता है, गुल्ली तुम गाड़ी आराम से ही चलाओ, नहीं तो ये सोन के चक्कर में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। गुल्ली सोन से बोलता है, सोन तुम ज्यादा हड़बड़ाओ मत क्योंकि हम लोग को जंडू चाचा के गांव में जाने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। सोन बोलता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये जंगल में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बुल्ली बोलता, सोन तुम डरो मत, मेरे पास एक उपाय है। देखो गाड़ी के पीछे एक खंभा रखा हुआ है, तुम उसे पीलो, तुम्हारा डर चला जाएगा। सोन खंभा उठा लेता है। सोन बोलता, लेकिन बुल्ली इसे पीने से मेरा डर कैसे जाएगा? दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। दारू में मेरा बाप का गराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया, खुद मेरा बाप चला गया, तो ये डर क्यों नहीं जाएगा। और फिर सोन महुआ पीने लगता है। गुल्ली गाड़ी को थोड़ा और तेज कर देता है। पर ये क्या, सोन तो महुआ पीने के बाद नशा में आ चुका है। और फिर सोन बुल्ली के साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन बुल्ली तो कुछ भी नहीं बोल रहा, लगता है कि उसका मुंह में लकवा मार दिया है। और इधर गुल्ली सोन की हरकत देखकर काफी ज्यादा खुश है। बुल्ली गुल्ली से बोलता है, गुल्ली सोन को समझा दो वरना अच्छा नहीं होगा, मैंने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी। क्यों बिधवा है तू? मैं तुम्हें यहीं पर पटक पटक कर धोने लगूंगा। क्यों धोबी है तू? देख अभी मेरा हाथ उठ जाएगा। क्यों भिखारी है तू? ओह नो, गुल्ली बोलता है, और इसे पिलाओ महुआ, बन गया ना निरहुआ। तभी गाड़ी अचानक से गुल्ली रोक देता है। बुल्ली बोलता है, क्या हुआ गुल्ली, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? गुल्ली बोलता है, लगता है कि गाड़ी पंचर हो चुकी है। और फिर ये तीनों गाड़ी से उतरकर पंचर को देखने लगते हैं। बुल्ली बोलता है, गुल्ली अब पंचर कैसे बनेगा, यहाँ पर तो आसपास में कहीं पंचर वाला भी नहीं है। गुल्ली बोलता है, हमें यहाँ से पैदल ही जाना होगा क्योंकि जंडू चाचा का घर यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। मैं राजा हूँ और मैं पैदल नहीं जाऊँगा। गुल्ली बोलता है, क्यों? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तभी जंगल में भेड़िये के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। बुल्ली सोन से बोलता है, सोन होश में आओ नहीं तो हमें भेड़िया खा जाएगा। तभी जंगल में घोड़े के चलने की आवाज आने लगती है। गुल्ली बोलता है, इतनी रात को जंगल में घोड़े की आवाज कहाँ से आ रही है? बुल्ली बोलता है, लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। गुल्ली बोलता है, सोन अपने पीछे देखो। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। गुल्ली बुल्ली भी सोन के पीछे पीछे भागने लगते हैं। दोस्तों ये सर कटा है और ये जिसे भी देखता है उसका सर काट देता है। और लगता है कि आज गुल्ली बुल्ली सोन में से किसी का सर कटने वाला है। बुल्ली बोलता है, ये कौन सी नई मुसीबत है गुल्ली, और इसका सर तो कटा हुआ है तो ये जिंदा कैसे है? गुल्ली बोलता है, ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले यहाँ से भागो नहीं तो ये दरिंदा हम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन आगे से तो रास्ता बंद है। गुल्ली बुल्ली सोन आगे जाकर रुक जाते हैं। गुल्ली बोलता है, मरने के लिए हम लोग तैयार हो जाओ। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन घुटने पर बैठकर उस दरिंदे से माफी मांगने लगते हैं। लेकिन ये दरिंदा आज गुल्ली बुल्ली सोन को छोड़ने वाला नहीं है। और फिर वो धीरे धीरे गुल्ली बुल्ली सोन की तरफ बढ़ने लगता है। सोन वहाँ पर पड़ा पत्थर उठाता है और उस सरकटा को फेंक कर मारता है। और फिर ये तीनों इसका फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाते हैं। सोन बोलता है, भागो अपनी अपनी जान बचाओ। गुल्ली बोलता है, नहीं हम लोग को यहीं कहीं पर छिपना होगा क्योंकि हम लोग इस सरकटे से ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे। बुल्ली बोलता है, हम लोग इस झाड़ियाँ के पीछे जाकर छिप जाते हैं। और फिर सारे लोग उस झाड़ी के पीछे जाकर छिप जाते हैं। गुल्ली बोलता है, कोई भी हल्ला मत करना नहीं तो वो दानव हम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो सरकटा भागते हुए आगे चला जाता है।
बुल्ली बोलता है, आखिरकार ये ऐसा दानव इस जंगल में आया कैसे? सोन बोलता है, और उसका सर भी कटा हुआ था। बुल्ली बोलता है, लेकिन वो बिना सर का जिंदा कैसे रह सकता है? गुल्ली बोलता है, तुम लोग को अभी भी समझ में नहीं आया, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है। बुल्ली और सोन गुल्ली के बात सुनकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। सोन बोलता है, लेकिन हम लोग जंडू चाचा के घर जाएंगे कैसे? अगर हम लोग यहाँ से निकले तो शैतान हम तीनों को मार देगा। बुल्ली बोलता है, अगर हम लोग यहाँ भी रहे तो हम लोग को वो मार देगा, क्योंकि ये जंगल उसका है और उसके इलाके में रात भर रहना खतरों से खाली नहीं है। गुल्ली बोलता, हाँ बुल्ली तुम सही बोल रहे हो, हम लोग को यहाँ से अभी ये निकलना होगा और जंडू चाचा के घर जल्दी से पहुंचना होगा। सोन बोलता है, लेकिन यहाँ से जंडू चाचा के घर जाने में कितना समय लगेगा? गुल्ली बोलता है, ज्यादा समय नहीं, बस 10 मिनट का रास्ता है। बुल्ली बोलता है, तो हम लोग यहाँ पर बैठे क्यों हैं? जल्दी से हम लोग को जंडू चाचा घर निकल जाना चाहिए। सोन बोलता है, लेकिन अगर वो शैतान ने हमें रास्ते में देख लिया तो हम लोग को क्या हाल करेगा? गुल्ली बोलता है, जो होगा देखा जाएगा, पहले तो हमें यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना होगा। और फिर ये तीनों उस झाड़ी से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर तक जाने के बाद गुल्ली वहीं पर रुक जाता है। गुल्ली को रुका हुआ देख सोन और बुल्ली भी रुक जाते हैं। बुल्ली गुल्ली से बोलता है, क्या हुआ बुल्ली, तुम यहाँ पर क्यों रुक गए हो? गुल्ली तो कुछ भी नहीं बोलता। तभी वो धीरे से पीछे मुड़ता है और अपने हाथ से सोन और बुल्ली को भी पीछे देखने के लिए इशारा करता है। बुल्ली और सोन भी जैसे ही पीछे मुड़कर देखते, अरे ये क्या, सामने तो वही सरकटा खड़ा रहता है। और फिर उस सरकटा को देखने के बाद सोन जोर से चिल्लाता है, भाग रे लैकन, रन। भागते भागते गुल्ली का पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। गुल्ली को गिरा देख सोन और बुल्ली भी रुक कर गुल्ली को देखने लगता है। वो सरकटा गुल्ली की ऐसी हाल देखकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। गुल्ली भी उस सरकटा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। सोन बोलता है, उसका पैर क्या पकड़ रहा है, यहाँ से भागो। गुल्ली बोलता है, मेरे पैर में चोट लग गया है, अब मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। और फिर वो सरकटा धीरे धीरे गुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है। लगता है कि आज गुल्ली का सर कट के ही रहेगा। बुल्ली और सोन अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं क्योंकि वो गुल्ली का सर कटते हुए नहीं देख सकते। और फिर तभी अरे ये क्या, जंडू चाचा तो यहाँ पर आ चुके हैं। जंडू चाचा को देखने के बाद गुल्ली बुल्ली और सोन के चेहरे पर तो स्माइल आ जाती है, लेकिन जंडू चाचा बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। लगता है कि ये सरकटा आज जंडू चाचा के हाथों से बचने वाला नहीं है। जंडू चाचा बोलते, गुल्ली उठो और पीछे चले जाओ। लगता है कि आज यहाँ पर बहुत बड़ा महायुद्ध होने वाला है। गुल्ली उठता है और वो बुल्ली और सोन के पास चला जाता है। जंडू चाचा बोलते हैं, मेरे होते हुए तुम इन तीनों को छू भी नहीं सकते। गुल्ली जोर से चिल्लाकर बोलता है, जंडू चाचा इसे छोड़ना मत, इसने मुझे मारने की जरूरत की। बुल्ली बोलता है, गुल्ली तुम चिंता मत करो, अब मेरे जंडू चाचा आ चुके हैं और अब हम लोग को कुछ नहीं हो सकता, अब बस हम लोग को इस सरकटे को मार खाते हुए देखना है। सोन बोलता है, इस बूढ़े में जान भी है, मुझे तो लगता है इस बूढ़े को पोलियो मार दिया है। गुल्ली बोलता है, नहीं सोन, जंडू चाचा में बहुत दम है, इन्होंने गांव का घी खाया है और जब जंडू चाचा एक बार मारना शुरू करते हैं तो वो तब तक मारती जब तक कि वो मर ना जाए। सोन बोलता है, ये बूढ़े को देख कर तो नहीं लगता। जंडू चाचा उस सरकटे से बोलते हैं, ठीक है अब बहुत हो गया, अब तुम मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाओ। जंडू चाचा की बात सुनकर वो सरकटा जोर जोर से हंसने लगता है। बुल्ली बोलता है, मुझे तो इस सरकटे को देख के बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तभी जंगल में भेड़िए के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। गुल्ली बुल्ली और सोन इधर उधर देखने लगते हैं। बुल्ली बोलता, इतना कम था, ये भेड़िया चिल्लाकर मुझे और डरा रहा है। गुल्ली बोलता, अरे जंडू चाचा कहाँ चले गए? अरे ये क्या, जंडू चाचा तो उस सरकटे के पैरों के सामने तो गिरे हुए हैं। जंडू चाचा की ऐसी हालत देख के वो सरकटा जोर जोर से हंसने लगता है।
सोन बोलता है यही है इस बुड्ढे की बहादुरी। मुझे तो पहले ही पता था ये बुड्ढा हम लोग को एक दिन मौत के मुंह में ढकेल देगा। बुल्ली छाती पीट पीट कर रोने लगता है। गुल्ली बोलता है बुल्ली अपने आप को संभालो, अब हम लोग को मरने से कोई नहीं रोक सकता। बुड्ढा कीड़े पड़ेंगे तुझे। लेकिन जंडू चाचा की इरादे तो अच्छे नहीं लग रहे। जंडू चाचा उठते हैं और अपने हाथ में रखे हुए खंजर को उस सरकटे के घोड़े को खंजर से फेंक के मारते हैं। और उसे वहीं पर घायल कर देते हैं। घोड़े के साथ साथ सरकटा भी नीचे गिर जाता है। जंडू चाचा बोलते हैं मेरा मुंह क्या देख रहे हो, यहाँ से भागो। और जंडू चाचा कितना बोलते हैं सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और इधर इस सरकटे का घोड़ा मर चुका है। सरकटा उठता है और अपने घोड़े को मरता देख बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि वो अपने घोड़े से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब तो सरकटा किसी भी कीमत पर अपने घोड़े का मौत का बदला लेकर रहेगा। और इधर ये सारे लोग जंडू चाचा के घर के पास पहुंच चुके हैं। गुल्ली बोलता लगता है कि अब वो हमारा पीछा नहीं कर रहा। जंडू चाचा बोलते घर के अंदर चलो क्योंकि उसके घोड़े को मैंने मार दिया है और वो अपने घोड़े से बहुत ज्यादा प्यार करता है, अगर उसने हमें देख लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सोन बोलता तो यहाँ पर खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो, चलो घर के अंदर। और फिर ये सारे लोग जंडू चाचा के घर के अंदर चले जाते हैं। गुल्ली बोलता जंडू चाचा आखिरकार ये सरकटा है कौन और ये हमारी जान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। सोन बोलता बे बुढ़ी तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा, तेरे मुंह में लड्डू है क्या। जंडू चाचा बोलते ये आज से नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से गाँव के लोगों को परेशान कर रहा है। गुल्ली बोलता ये गांव के लोगों को क्यों परेशान कर रहा है, आखिरकार गांव वालों ने इसका क्या बिगाड़ा है। जंडू चाचा बोलते ये कोई और नहीं बल्कि पहले डाकू था और ये गांव के लोगों को बहुत परेशान करता था, इसीलिए गांव के सारे लोगों ने मिलकर इसका सर काट दिया और तभी से ही इसकी आत्मा हमारे गांव के सारे लोगों को परेशान कर रही है। बुल्ली बोलता लेकिन जंडू चाचा आपने तो उसके घोड़े को भी मार दिया है। जंडू चाचा बोलते हाँ मैंने उसके घोड़े को मार दिया और अब वो मुझे मारेगा। गुल्ली बोलता तो आप बचेंगे कैसे। जंडू चाचा बोलते हैं हमें किसी भी कीमत पर आज रात इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है और सुबह होते ही हम लोग इस गांव को छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि आज रात वो घोड़े की मौत से पागल हो गया होगा। बुल्ली बोलता है अगर वो इस कमरे में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। जंडू चाचा बोलते हैं इसकी चिंता तुम मत करो क्योंकि वो आज तक किसी के कमरे में नहीं गया है क्योंकि वो आज भी डरता है कि उसे कोई कमरे में बंद करके मारने लगा तो। तुम लोग चैन से सो जाओ, बस ये याद रखना कि तुम लोग में से कोई भी इस कमरे से बाहर मत जाना। सोन बोलता हाँ ऐसे भी मैं बहुत थका हुआ हूँ। और फिर ये सारे लोग सो जाते हैं। और इधर ये सरकटा तो पागल हो गया है और ये जंडू चाचा को ही खोज रहा है। अरे ये सोन कहाँ जा रहा है। लगता है कि सोन को बहुत जोर की आई है और वो शायद भूल भी गया है कि यहाँ पर सरकटा घूम रहा है। सोन बाहर निकलता है और एक अच्छा सा झाड़ी खोजने लगता है हल्का होने के लिए। और ये क्या सोन के सामने ही एक झाड़ी है। सोन वहाँ पर चला जाता है। तभी सोन के सामने एक बच्चा दिखता है। सोन बोलता है आखिरकार ये बच्चा इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रहा है। और तभी वहाँ पर सरकटा आ जाता है। सोन छिपकर सरकटा को देखने लगता है। लगता है कि ये सरकटा आज इस बच्चे को अपना शिकार बनाने वाला है। अरे ये क्या उस सरकटे ने तो इस बच्चे का सर काट दिया है। और ये सब कुछ जैसे ही सोन देखता है वो जोर से चिल्लाता है बचाओ बचाओ। सोन के चिल्लाने की आवाज से गुल्ली बुली और जंडू चाचा तीनों उड़ जाते हैं। गुल्ली बोलता है अरे सोन हमारा कहाँ है, कहीं वो सरकटा सोन को उठाकर तो नहीं ले गया। जंडू चाचा बोलते हैं हमें बाहर चलकर देखना चाहिए, मुझे लगता है कि सोन बहुत बड़ी मुसीबत में है। और जंडू चाचा कितना बोलते हैं सारे लोग उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। बुल्ली बोलता है बाहर से ही सोन की आवाज आ रही थी लेकिन बाहर तो सोन है ही नहीं। जंडू चाचा बोलते हैं लगता है कि सोन को वो सरकटा उठाकर लेकर चला गया है और अब पता नहीं वो सोन के साथ क्या करने वाला है। गुल्ली बोलता है सोन को कुछ नहीं हो सकता,
अगर उस सर कटे ने सोन को अगर छूने की कोशिश की तो मैं उसके सर के साथ साथ दोनों हाथों को भी काट दूंगा। गुल्ली बोलता है, मैं सर कटा को तो बाद में मारूंगा, पहले तो मैं इस बुड्ढे को मारूंगा। इसी बुड्ढे के कारण हमारे भी सोन नहीं है। जंडू चाचा बोलते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो तुम लोग को मना किया था घर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन सोन घर से बाहर निकल गया इसीलिए सरकटा उसे उठा कर ले गया। गुल्ली बोलता, बे बुड्ढे मैं ये सब कुछ नहीं जानता, अगर सोन को कुछ हुआ तो तुम अपना हाल समझ लेना। बुल्ली बोलता, तुम लोग लड़ना बंद करो, पहले हमें सोन को बचाना होगा, नहीं तो वो सरकटा सोन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जंडू चाचा बोलते हैं, वो सरकटा सोन को जंगल में ही लेकर गया होगा, हमें आगे बढ़कर जंगल में सोन को खोजना चाहिए। बुल्ली बोलता है, तो देर किस बात की, चलो हम लोग जंगल में चलकर खोजते हैं। और फिर ये तीनों जंगलों की तरफ बढ़ जाते हैं। ये तीनों थोड़ा ही आगे बढ़ती है तभी गुल्ली अचानक से रुक जाता है। जंडू चाचा बोलते हैं, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो गए। गुल्ली नीचे की ओर इशारा करता है। गुल्ली बोलता, ये देखो बुल्ली, यहाँ पर किसी का खून गिरा हुआ है। बुल्ली बोलता, कहीं ये खून सोन का तो नहीं। बुल्ली की बात सुनकर गुल्ली छाती पीट पीट कर रोने लगता है। जंडू चाचा आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं, ये रोने धोने की जरूरत नहीं है, ये खून नहीं बल्कि किसी का थूका हुआ गुटका है। जंडू चाचा की बात सुनकर गुल्ली शांत हो जाता है। बुल्ली बोलता है, समय बर्बाद मत करो, हमें सोन को ढूंढना है, वरना अगर ज्यादा देर हो गई तो हम लोग सोन को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। और इधर सरकटा सोन को लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है। सरकटा सोन को टेबल पर रखता है, लगता है कि आज सोन का खेल खत्म होने वाला है। तभी सरकटा वहां पर पड़ा हुआ चाकू उठा लेता है। सरकटा अपने घोड़े का मौत का बदला सोन को मार कर लेगा। तभी वहां पर किसी की गाड़ी की आवाज सुनाई देने लगती है। सरकटा जैसे ही सुनता है वो उस कमरे से बाहर चला जाता है। दोस्तों, इतनी रात को इस भयानक जंगल में गाड़ी कौन चला रहा है। अरे ये तो एक लड़का है जो कि बाइक से कहीं जा रहा है। सरकटा रास्ते के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लगता है कि सरकटा आज इसे भी नहीं छोड़ेगा। वो लड़का बाइक को रोक देता है और सरकटा को ही देखने लगता है। तभी सरकटा अपने चाकू को उस लड़के की तरफ फेंक कर मारता है, जिससे कि वो लड़का का सर कट जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। सरकटा उस लड़के के पास जाता है और उसके बाइक को देखने लगता है। लगता है कि सरकटा कुछ सोच रहा है लेकिन उसका दिमाग तो है ही नहीं। अरे ये क्या, सरकटा तो उसके बाइक पर बैठ के कहीं जा रहा है और सोन बेचारा अभी तक इस कमरे में ही बेहोश पड़ा हुआ है। अभी सोन आँख खोल देता है। सोन बोलता है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और गुल्ली बुल्ली सोन और जंडू चाचा कहाँ हैं? अरे मुझे तो सरकटा उठा कर ले गया था। लगता है कि सरकटा मुझे अपने घर में बंद कर दिया है। मुझे सरकटा के आने से पहले यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो अगर सरकटा यहाँ पर आ गया तो मुझे वो मार देगा। सोन वहाँ से उठता है और घर के बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद सोन बोलता है, ये कौन सी जगह है, मैं तो यहाँ के बारे में नहीं जानता। तभी वहाँ पर भेड़िए की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। सोन भेड़िए की आवाज सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है। सोन बोलता है, मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो सरकटा से पहले मुझे भेड़िया खा जाएगा। और फिर सोन जंगल की तरफ बढ़ जाता है। और इधर बुल्ली जंडू चाचा से बोलता है, जंडू चाचा हम लोग कितनी देर से चलते रहेंगे, हमें सरकटा कब मिलेगा। जंडू चाचा बोलते हैं, सरकटा इसी जंगल में रहता है, हमें जरूर सरकटा का घर इसी जंगल में मिलेगा। गुल्ली बोलता, बे बुड्ढे अगर सोन नहीं मिला तो हम तुम्हारा सर काट कर इसी जंगल में फेंक देंगे। जंडू चाचा बोलते हैं, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ गुल्ली, तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रहे हो, अगर तुमने थोड़ा सा भी मुझे उल्टा सीधा बोला तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, उसके बाद तुम लोग अकेले ही इस घने जंगल में सोन को खोजते रहना। गुल्ली बोलता है, बुढ़े अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे दोनों पैरों को तोड़कर मंदिर के बाहर बैठा दूंगा। बुल्ली बोलता है, गुल्ली और जंडू चाचा तुम लोग आपस में लड़ो मत, हमें सोन को खोज कर यहाँ से निकलना है, नहीं तो सोन क्या, हम तीनों भी इस जंगल में लापता हो जाएंगे। तभी एक बार फिर से जंगल में भेड़िए की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। बुल्ली
बोलता है जल्दी चलो, हमें सोन को जल्दी से जल्दी खोजना होगा। और फिर ये तीनों सोन को खोजने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा दूर आगे चलने के बाद गुल्ली बोलता है ये देखो यहाँ पर तो किसी इंसान का कंकाल पड़ा हुआ है। गुल्ली ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। झंडू चाचा बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि इसे सरकटा ने मारा है और इसका मतलब है कि सरकटा का घर कहीं यहीं कहीं पर है, हमें आगे बढ़कर देखना चाहिए। तभी वो तीनों सरकटा के घर के पास पहुंच जाते हैं। गुल्ली बोलता है मुझे लगता है कि यही है सरकटा का घर। झंडू चाचा बोलते हैं हाँ, क्योंकि इतने घने जंगल में सिर्फ सरकटा का घर ही हो सकता है। गुल्ली बोलता है हमें इस घर के अंदर जाकर देखना चाहिए, मुझे लगता है कि सोन इसी घर के अंदर है। गुल्ली बोलता है अगर हम लोग इस घर के अंदर गए और सरकटा इस घर के अंदर रहा तो हम लोग क्या करेंगे। झंडू चाचा बोलते हैं अब जो होगा देखा जाएगा, हम लोग को इस घर के अंदर जाकर देखना ही होगा। ये तीनों डरते डरते उस घर के अंदर जाते हैं। गुल्ली बोलता है लेकिन इस घर के अंदर तो सोन है ही नहीं, लगता है कि हम लोग गलत घर में घुस चुके हैं। झंडू चाचा बोलते नहीं गुल्ली, हम लोग बिल्कुल सही घर में घुसे हैं। वो देखो सामने सरकटा का फोटो टंगा हुआ है। गुल्ली बोलता है अगर ये सरकटा का घर है तो सोन कहाँ है। झंडू चाचा बोलते हैं ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। गुल्ली बोलता है ये सब हम लोग बाद में सोचेंगे, पहले तो हमें इस घर से बाहर निकलना होगा, नहीं तो अगर सरकटा इस कमरे में आ गया तो वो हम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। झंडू चाचा बोलते हैं बात तो तुम सही बोल रहे हो गुल्ली, हम लोग को इस घर से बाहर निकलना होगा। सारे लोग सरकटे के घर से बाहर जाने लगते हैं। सरकटा को देखने के बाद तो ये तीनों की होश उड़ चुकी है और सरकटा काफी ज्यादा गुस्से में भी लग रहा है। गुल्ली बोलता झंडू चाचा सरकटा तो बाहर ही खड़ा है, अब ये तो हम सभी को मार देगा। गुल्ली बोलता बूढ़ी बैल के जैसा क्यों खड़ा हुआ है, कुछ कर नहीं तो ये सरकटा हमें भी अपने जैसा ही बना देगा। झंडू चाचा बोलते हैं तुम लोग चिंता मत करो। और फिर झंडू चाचा उस सरकटा के सामने चले जाते हैं। झंडू चाचा बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम तीनों को मार दोगे, मेरे होते हुए तुम इन दोनों को छू भी नहीं सकते, मारना तो दूर की बात है। गुल्ली बुल्ली झंडू चाचा की ऐसी बहादुरी वाली बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी गुल्ली जोर से चिल्लाता है बुड्ढे मारो इस कुत्ते को, हम तुम्हारे साथ हैं, इनकलाब जिंदाबाद। गुल्ली की बात सुनकर झंडू चाचा को और तेज गुस्सा आता है और उनकी दोनों आंखें लाल हो जाती है, लगता है कि आज सरकटा भी झंडू चाचा से डर जाएगा। Oh no! सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं और इधर सरकटा भी अपने बाइक पर बैठकर उन तीनों का पीछा करने लगता है। गुल्ली बुली और झंडू चाचा ये तीनों तो काफी तेज भाग रहे हैं, लगता है कि ये तीनों आज सरकटा के हाथ नहीं लगने वाले। तभी वो तीनों वहाँ पे चलते चलते रुक जाते हैं। आगे जो तालाब है, गुल्ली बोलता झंडू चाचा अब हम लोग क्या करेंगे, आगे तालाब है और पीछे सरकटा। गुल्ली बोलता करना क्या है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। गुल्ली बोलता मैं मरना नहीं चाहता। और इधर सरकटा भी आ चुका है। वो तीनों पीछे मुड़कर सरकटा को देखने लगते हैं। झंडू चाचा सरकटे से बोलते हैं अगर तुम्हें मारना है तो थोड़ा आराम से मारना ताकि दर्द कम हो, और मैंने तुम्हें जितना भी अनाप शनाप बोला है उसे दिल पर मत लेना। तभी एक पेड़ टूटता है और सरकटे के ऊपर गिर जाता है। इतना बड़ा पेड़ कैसे टूट सकता है, अरे ये क्या, ये तो सोन है, सोन ने ही पेड़ काटकर सरकटा के ऊपर गिराया है। गुल्ली बुली और झंडू चाचा सोन को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इधर सरकटा दर्द के कारण जोर जोर से चिल्ला रहा है। सोन बोलता रुको अभी मैं इसे ठिकाने लगाता हूँ। सोन वहाँ पर पड़ा डंडा उठाता है और उस सरकटे के पास जाकर उसे मारने लगता है। गुल्ली बोलता है बस करो सोन, अब तुम उसे कितना मारोगे, वो मर चुका है। झंडू चाचा बोलते हैं ये तो पहले से ही मरा हुआ है और अब कितना मरेगा। सोन डंडा फेंकता है और गुल्ली बुली के पास चला जाता है। गुल्ली बोलता है वाह सोन आज तो तुमने हमारी जान बचा दी, इसका शुक्रिया अदा हम लोग तुम्हारा कैसे करें। सोन बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे अपने फोन में गेम खेलने देना और साथ में 5-10 लाख रुपए भी दे देना। गुल्ली गुस्से में आकर बोलता है तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ।
ये सभी लोग बात कर रहे होते हैं तभी सरकटा यहाँ से निकलने लगता है। जंडू चाचा बोलते हैं, तुम लोग लड़ना बंद करो, सोन ने हम सभी की जान बचाई है और तुम लोग इससे ही लड़ रहे हो। बुल्ली बोलता, सही बोल रहे हैं जंडू चाचा, सोन से लड़ना नहीं चाहिए बल्कि इसे इनाम देना चाहिए। इनाम की बात सुनकर सोन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सोन बोलता है, तुम लोग को इनाम में जो कुछ भी देना है तुम लोग दिल खोल कर दो, क्योंकि सोन बाबा ने एक राक्षस को खत्म किया है। बुल्ली सोन के पास गुस्से में जाता है, आओ भाइयों आओ इसे इनाम दो। सोन बोलता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया बुल्ली, अब मैं तुम लोग की मदद कभी भी नहीं करूँगा। बुल्ली और गुल्ली सोन की बात सुनकर हंसने लगते हैं। जंडू चाचा बोलते हैं, तुम लोग अपना खिच बंद करो, पहले तो तुम लोग ये सोचो कि सरकटे का क्या करना है। गुल्ली बोलता, करना क्या है, सरकटे को उठाकर इसी तालाब में फेंक देते हैं। बुल्ली बोलता, चलो तो सरकटे को सबको मिलकर टांग लो। सारे लोग टूटे हुए पेड़ के पास चले जाते हैं। गुल्ली बोलता, ये क्या, यहाँ पर तो सरकटा है ही नहीं, लगता है कि सरकटा यहाँ से भाग चुका है। जंडू चाचा बोलते हैं, सरकटा भागने वालों में से नहीं है, वो हमसे अपना बदला जरूर लेकर रहेगा। गुल्ली बोलता है, हम लोग ने सरकटा को थोड़ी ना मारा है, सरकटा को मारने वाला तो सोन है और वो आएगा तो पहले तो सोन को ही मारेगा। गुल्ली की बात सुनकर सोन कांपने लगता है। जंडू चाचा बोलते हैं, सोन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, अगर सरकटा यहाँ पर आ गया तो हम लोग सबको मिलकर उसका सामना करेंगे। बुल्ली बोलता है, सरकटा इतना शक्तिशाली है कि उसका हम लोग सामना कर ही नहीं सकते, इसीलिए अच्छा यही होगा कि हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। भागने दूंगा तब ना। जंडू चाचा जोर से चिल्लाते हैं, भाग रहे लाइकन, अपन अपन जान बचावा सन। सोन बोलता, कहाँ भागे, वो सरकटा तो हमारे सामने ही खड़ा है। गुल्ली बोलता, वो देखो उस तालाब में एक नाव है, उस नाव पर बैठकर हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। जंडू चाचा बोलते हैं, तो देर किस बात की, यहाँ से भागो। सारे लोग उस तालाब की तरफ भागकर उस नाव में बैठ जाते हैं। गुल्ली बोलता, जल्दी जल्दी नाव चलाओ नहीं तो ये सरकटा इस नाव पर बैठ जाएगा, और फिर ये सारे लोग नाव लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं और ये सरकटा इन सभी को देखते ही रह जाता है। सारे लोग नाव पर बैठ के तो काफी दूर निकल चुके हैं। सोन बोलता है, इतनी देर से हम लोग नाव चला रहे हैं लेकिन दूर दूर तक तो कुछ भी नहीं दिख रहा, कहीं हम लोग इस समुद्र में खो ना जाएं। जंडू चाचा बोलते हैं, तुम लोग खोने की नहीं बल्कि यहाँ से भागने की सोचो, क्योंकि वो सरकटा हमारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, वो जरूर हमारा पीछा कर रहा होगा। जंडू चाचा की बात सुनकर ये सारे लोग नाव को और तेज चलाने लगते हैं। गुल्ली बोलता है, वो देखो आगे एक आइलैंड है, हम लोग वहाँ पर चलते हैं। वो लोग अपनी नाव को रोककर उस आइलैंड पर चले जाते हैं। जंडू चाचा बोलते हैं, हम लोग को यहाँ नहीं रुकना चाहिए क्योंकि वो सरकटा अगर यहाँ पर आ गया तो फिर वो हम लोग को यहीं पर मौत के घाट उतार देगा। सारे लोग जंडू चाचा की बात सुनकर आगे बढ़ जाते हैं। सारे लोग थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं कि वो लोगों को एक भयानक भेड़िया दिखता है जो कि एक सड़े हुए मांस को खा रहा होता है। सारे लोग उस भेड़िये को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। बुल्ली बोलता है, हम लोग को यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए नहीं तो सरकटा तो हम लोग को बाद में मारेगा, उससे पहले हम लोग को ये भेड़िया खा जाएगा। और फिर ये सारे लोग वापस उसी तालाब के पास जाने लगते हैं। अरे ये क्या, सरकटा तो इसी आइलैंड पर आ रहा है। सारे लोग सरकटा को देखकर वहीं पर रुक जाते हैं। बुल्ली बोलता, जंडू चाचा सरकटा तो इधर ही आ रहा है और ये तो काफी ज्यादा गुस्से में भी है। गुल्ली बोलता है, अगर हम लोग पीछे भागे तो वो भेड़िया हम लोग को खा जाएगा और अगर आगे गए तो ये सरकटा हम लोग को मार देगा। सोन बोलता है, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आज तो हम लोग गए। जंडू चाचा बोलते हैं, तुम लोग डरो मत, हम लोग को यही कहीं पर कोई अच्छा जगह देखकर छिपना होगा। सोन बोलता है, जंडू चाचा वहाँ पर देखो, वहाँ पर झाड़ियाँ हैं, हम लोग उसी झाड़ियाँ में जाकर छिप जाते हैं। गुल्ली बोलता है, जल्दी भागो, वो सरकटा इधर ही आ रहा है। सारे लोग वहाँ से भागकर झाड़ियों में छिप जाते हैं और छिपकर सरकटा को देखने लगते हैं। सरकटा वहाँ पर आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है।
जंडू चाचा बोलते हैं तुम लोग किसी भी प्रकार का आवाज मत करना, क्योंकि सरकटा हम लोग को ही खोज रहा है, और अगर उसे पता चल गया कि हम लोग इस झाड़ी में छिपे हुए हैं, तो वो हम लोग को इसी झाड़ी में मारकर फेंक देगा। सोन बोलता है जंडू चाचा लेकिन आवाज तो होकर ही रहेगा। गुल्ली बोलता है वो कैसे सोन? ऐसे। अरे ये क्या, सोन ने तो पटाखा फोड़ दिया है। और सोन की इतनी तेज पटाखा फोड़ने की आवाज सुनकर वो सरकटा इधर ही आ रहा है। बुल्ली बोलता है ये क्या किया सोन तुमने, तुम्हारी वजह से हम सबकी जान खतरे में है, और अब वो सरकटा हम सबको मार डालेगा। सारे लोग तो काफी ज्यादा डरे हुए हैं। वो सरकटा आता है और झाड़ी के पास आकर खड़ा हो जाता है और अपना तलवार निकाल कर जोर जोर से हंसने लगता है। लगता है कि सरकटा को शक हो चुका है, ये सब लोग इसी झाड़ी के पीछे जाकर छिपे हुए हैं। तभी पीछे से भेड़िया जोर से चिल्लाता है। सरकटा पीछे मुड़कर उस भेड़िया को देखने लगता है, और अब ये भेड़िया इस सरकटा को नहीं छोड़ने वाला। भेड़िया को ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि उसके इलाका में कोई और घुस जाए, और जो कोई भी भेड़िया के इलाका में घुसता है उसे वो मार कर खा जाता है। और लगता है कि ये सरकटा अब भेड़िया के हाथ से मरने वाला है, और वो भेड़िया उस सरकटा के सामने दौड़ लगा देता है, और भेड़िया को अपने सामने आता देख सरकटा भी दौड़ लगा देता है। और ये चारों जैसे ही इन दोनों को आपस में लड़ते देखते हैं, ये चारों लोग पतली गली लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। और इधर सरकटा और भेड़िया में तो मार चालू हो चुका है, और ये सरकटा इस भेड़िया को तो बहुत ज्यादा मार रहा है। लगता है कि सरकटा आज भेड़िया को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। और ये क्या, सरकटा ने तो भेड़िया को मारकर जमीन पे गिरा दिया है। लगता है कि आज सरकटा भेड़िया के साथ बहुत ही गलत करने वाला है। तभी सरकटा अपना तलवार निकालता है और भेड़िया के शरीर में तलवार घोंप कर आर पार कर देता है। और ये सब नजारा ये चार लोग पेड़ के पीछे से छुपकर देख रहे हैं। सोन बोलता है लगता है कि हमारा हाल भी इस भेड़िए के जैसा होने वाला है। जंडू चाचा बोलते हैं सोन तुम अपना मुंह बंद करो, हम लोग पहले से ही डरे हुए हैं, और कितना डराओगे। गुल्ली बोलता है बूढ़े तू अपना मुंह बंद कर, नहीं तो हम लोग की आवाज़ सुनकर वो सरकटा इधर ही आ जाएगा। और इधर सरकटा भेड़िया को उठाता है और उसी झाड़ी में फेंक देता है जिस झाड़ी में बुल्ली बुल्ली सोन और जंडू चाचा छिपे हुए थे। और फिर भेड़िया को फेंकने के बाद सरकटा आगे जंगल में बढ़ जाता है। और इधर गुल्ली बोलता है ये सरकटा आखिरकार जा कहाँ रहा है। बुल्ली बोलता है सरकटा कहीं भी जाए, हम लोग को यहाँ से भाग कर वापस घर चले जाना चाहिए। जंडू चाचा बोलते हैं नहीं बुल्ली, हमें सरकटा का पीछा करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि सरकटा कुछ करने वाला है। सोन बोलता है जंडू चाचा सही बोल रहे हैं, हमें सरकटा का पीछा कर सही मौका देखते ही सरकटा को मार देना चाहिए, नहीं तो ये सरकटा हमारा पीछा जिंदगी भर तक नहीं छोड़ेगा। जंडू चाचा बोलते हैं सही बोल रहे हो सोन, हमें सरकटा को मार देना चाहिए। गुल्ली बोलता है अगर तुम लोग ने फैसला कर लिया है कि सरकटा को मारना है तो हमें सरकटा का पीछा करना चाहिए, नहीं तो सरकटा हमारे हाथ से निकल जाएगा। इतना बोलकर ये चारों सरकटा का पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर तक सरकटा जाने के बाद इधर उधर देखने लगता है। ये चारों पेड़ के पीछे आकर छिप जाते हैं। सोन बोलता है लगता है कि सरकटा ने हमें देख लिया है। गुल्ली बोलती नहीं सोन, ये तुम क्या बोल रहे हो, अगर सरकटा हमें देखता तो वो हमारा पीछा करके हमें जान से मार देता। बुल्ली बोलता है हाँ सोन गुल्ली सही बोल रहा है, सरकटा ने हमें नहीं देखा है। और फिर ये चारों लोग सरकटा को छुपकर देखने लगते हैं। सरकटा थोड़ी देर इधर उधर देखता है और वो फिर से आगे बढ़ जाता है, और ये चारों भी सरकटा का फिर से पीछा करने लगते हैं। तभी इन चारों को जमीन पे पड़ा हुआ त्रिशूल दिखता है। जंडू चाचा ये त्रिशूल उठा लेते हैं और बोलते हैं ये त्रिशूल से यहाँ सरकटा को मैं मारूंगा। इस सरकटा ने बहुत सारे मासूम लोगों का खून किया है। बुल्ली बोलता है जंडू चाचा अपना बकवास बंद करो, पहले हमें सरकटा का पीछा करना होगा, नहीं तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। गुल्ली बोलता है ये सब छोड़ो, वो देखो सरकटा तो गुफा के अंदर जा रहा है। लगता है कि इस गुफा के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। सोन बोलता है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है गुल्ली, मैं इस गुफा के अंदर नहीं जाऊंगा, अगर तुम लोग को जाना है तो तुम लोग जाओ, मैं यहीं पे रुकूंगा। बुल्ली बोलता है तुम बहुत ज्यादा फट्टू हो सोन। सोन बोलता है मुझे मेरी जान बहुत ज्यादा कीमती है, अगर तुम लोग को मरना है तो तुम लोग अंदर जाकर शौक से मर सकते हो। जंडू चाचा बोलते हैं तो ठीक है, आज मैं ही इस सरकटा का खेल खत्म कर देता हूँ, मैं अकेले ही सरकटा को अंदर जाकर मार कर आता हूँ, तुम तीनों बाहर रहो।
गुल्ली बोलता है, जंडू चाचा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बुल्ली बोलता है, अगर तुम दोनों जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि यह सरकटा को मैं मरते हुए अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। और फिर गुल्ली बुल्ली और जंडू चाचा गुफा के अंदर चले जाते हैं। और इधर सोन उन तीनों का गुफा से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। वो तीनों गुफा के अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता। बुल्ली बोलता, अरे सरकटा तो यहाँ पर है ही नहीं, हम लोगों ने तो सरकटा को अंदर ही आते देखा था, लेकिन सरकटा यहाँ से गया कहाँ। गुल्ली बोलता, ये सब छोड़ो, सोन हमारा बेचारा अकेले ही बाहर है, मुझे लगता है कि सोन पर कुछ बहुत बड़ा मुसीबत आने वाला है। जंडू चाचा बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं, हम लोग को बाहर चलकर देखना चाहिए। और इधर सरकटा की नजर सोन पर पड़ चुकी है, और तभी सरकटा सोन पर छलांग लगा देता है। और इधर गुल्ली बुल्ली और जंडू चाचा गुफा के बाहर आ जाते हैं। गुल्ली बोलता है, अरे सोन तो यहाँ पर है ही नहीं, मुझे लगता है कि सरकटा सोन को उठाकर लेकर चला गया है। बुल्ली बोलता है, सरकटा सोन को ज्यादा दूर लेकर नहीं गया होगा, हमें सरकटा का पीछा करना चाहिए। और फिर ये तीनों सरकटा का पीछा करने लगते हैं। और इधर सरकटा सोन को नाव पर बैठाकर कहीं और लेकर जा रहा है। गुल्ली बुल्ली और जंडू चाचा भी यहाँ पर आ चुके हैं। गुल्ली बोलता, जंडू चाचा वो देखो, सोन को वो सरकटा लेकर जा रहा है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये सरकटा सोन के टुकड़े टुकड़े कर देगा। बुल्ली बोलता, बे बुड्ढे जल्दी ही कुछ कर, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम्हारे वजह से यहाँ सोन खतरे में है। जंडू चाचा बोलते है, मेरे रहते हुए सोन को कुछ भी नहीं हो सकता, अभी देखो मैं क्या करता हूँ। और फिर जंडू चाचा अपने त्रिशूल को सरकटा से फेंक के मारते हैं। लेकिन जंडू चाचा का निशाना चूक जाता है, और वो त्रिशूल सीधा गुल्ली बुल्ली के बोट पर ही गिरता है, और फिर गुल्ली बुल्ली का बोट वहीं पे टूट जाता है। गुल्ली बोलता, बे बुड्ढे ये तुमने क्या किया, तुमने सोन को बचाने की जगह तो और उसे मुश्किल में डाल दिया, अब हम लोग उसका पीछा भी नहीं कर सकते। जंडू चाचा बोलते है, मेरी नजर कमजोर हो चुकी है, इसीलिए मैंने सरकटा को देखा ही नहीं, और मैंने अपने ही नाव पर त्रिशूल को मार दिया है, अब ये सब छोड़ो, अब ये सोचो कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे। बुल्ली जोर जोर से छाती पीट पीट कर रोने लगता है और बोलता है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, सरकटा सोन को मार डालेगा और हम लोग भी इस आइलैंड पे मारे जाएंगे। गुल्ली बोलता है, बुल्ली अब तुम रोना बंद करो, हमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भगवान हमारे साथ है, भगवान जरूर हमारे लिए कोई ना कोई मसीहा जरूर भेजेगा। जंडू चाचा बोलते है, अरे वो देखो सरकटा तो इधर ही आ रहा है। बुल्ली बोलता है, लगता है कि सरकटा हमें अपने हाथों से मारना चाहता है। सरकटा हड़बड़ी में आता है और वहाँ से जंगलों के अंदर भाग जाता है। गुल्ली बोलता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अरे वो देखो वो कौन आ रहा है। सारे लोग समुद्र की तरफ देखने लगते हैं। अरे ये तो हमारे बाबा हैं, और बाबा तो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। बाबा को देखने के बाद गुल्ली बुल्ली और जंडू चाचा खुशी के मारे उछलने लगते हैं। बाबा बाबा गरम कर दो तावा। बाबा गुल्ली के पास आते हैं और फिर गुल्ली से बोलते हैं, कहाँ गया वो लौंडा, कहाँ गया वो लौंडा, आज उसको छोड़ने वाले नहीं है, चप्पल से मारेंगे। गुल्ली बोलता है, बाबा ये सरकटा इस जंगल के अंदर ही गया है। और फिर बाबा अपनी बाइक को जंगल के अंदर लेकर चले जाते हैं। और इधर सोन को भी होश आ चुका है। सोन बोलता है, गुल्ली बुल्ली आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, और मैं इस नाव पर क्या कर रहा हूँ। बुल्ली बोलता है, सोन ये सब बताने का भी टाइम नहीं है, सबसे पहले हमें इस जंगल में जाकर बाबा का पीछा करना होगा। और फिर ये चारों लोग जंगल में जाकर बाबा का पीछा करने लगते हैं। और इधर बाबा पागल कुत्ते की तरह सरकटा को दौड़ा रहे हैं। सरकटा आगे जाकर एक झाड़ी के पीछे जाकर छिप जाता है, और बाबा भी अपनी गाड़ी को वहीं पर रोक देते हैं। और पीछे से गुल्ली बुल्ली सोन और जंडू चाचा भी आ जाते हैं। बुल्ली बाबा से बोलता है, क्या हुआ बाबा, आप यहाँ पर क्यों रुक गए हैं, और सरकटा कहाँ चला गया। बाबा बोलते हैं, ये सरकटा यहीं कहीं पर छिपा हुआ है, आज मैं किसी भी कीमत पर इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला।
जंडू चाचा बोलते हैं, इस सरकटे ने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया है, आज इसे हम लोग सबको मिलकर मारेंगे। और इन लोगों की बातें सरकटा झाड़ियों के पीछे से छिपकर सुन रहा होता है। और इन लोगों की बातें सुनकर सरकटा काफी ज्यादा डरा हुआ भी है। बुल्ली बोलता है, हम सबको मिलकर सरकटा को खोजना होगा, नहीं तो यहाँ से मौका देखते ही फरार हो जाएगा। बाबा बोलते हैं, आज मैं किसी भी कीमत पर उसे यहाँ से भागने नहीं दूंगा। बुल्ली बोलता है, हम लोग को चारों तरफ फैल जाना चाहिए और सरकटा को खोजना चाहिए। जंडू चाचा बोलते हैं, हाँ बुल्ली तुम सही बोल रहे हो, सारे लोग एक एक डंडा उठा लो और सरकटा के दिखते ही सारे लोग पागल कुत्ते की तरह उसे मारने लगना। जंडू चाचा कितना बोलते हैं, सारे लोग एक एक डंडा उठा लेते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। सरकटा सोचता है कि मैं इन सभी से नहीं लड़ सकता, मैं इसमें से एक को मार के यहाँ से भाग जाता हूँ। और फिर सरकटा अपना तलवार निकालता है और जिधर बुल्ली होता है उधर ही चला जाता है। लगता है कि आज सरकटा बुल्ली को ही साफ करने वाला है। और इधर बेचारा बुल्ली भी अकेला है। और फिर सरकटा बुल्ली के पीछे ही आकर खड़ा हो जाता है। बुल्ली जैसे ही पीछे दिखता है उसका डर के मारे हालत खराब हो जाता है। बुल्ली बोलता है, मुझे छूने की सोचना भी मत, अगर मुझे कुछ हुआ तो बाबा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरकटा बुल्ली की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन सरकटा ने इतनी जोर से हंसकर बहुत बड़ा गलती कर दिया है, क्योंकि बाबा ने सरकटा की हंसने की आवाज सुन लिया है और बाबा सरकटा की तरफ ही जा रहे हैं। और धीरे धीरे सरकटा बुल्ली की तरफ ही बढ़ रहा है। सरकटा जैसे ही अपना तलवार उठाता है बुल्ली को मारने के लिए, तभी बाबा सरकटा को पीछे से रामपुरी घुसा के भेलपुरी निकाल देते हैं। और फिर बाबा अपने चाकू से उस सरकटा पर एक के बाद एक वार करते जाते हैं और सरकटा का वहीं पर मौत हो जाता है। जंडू चाचा बाबा से बोलते हैं, सरकटा तो मर गया लेकिन हम लोग वापस घर जाएंगे कैसे। बाबा बोलते हैं, इसकी टेंशन मत लो। और फिर बाबा जोर से बादल को आवाज लगाते हैं, बादल। बाबा की आवाज सुनकर बादल वहां पर आ जाता है और सारे लोग बादल में बैठ के वहां से अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।